हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास सर का बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा इथनाकर में। तो पिछले क्लास में हम आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी क्लास 11th का आपको टोटल जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था उसका टोटल वीडियो अपलोड हो चुका है, टोटल न्यूमेरिकल अपलोड हो चुका, टोटल उसका कंसेप्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टोटल वीडियो में क्या क्या आता है, आप वीडियो का प्लेलिस्ट में जाएंगे, ISC फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से आप जाकर टोटल वीडियो क्या करेंगे वॉच करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको जितना भी आपको बेस था यानी कि सम बेसिक, उसका नाम ही है, चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि चैप्टर 1 था क्लास 11th केमिस्ट्री का, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको केमिस्ट्री क्या है अधूरा है। ठीक है, इसलिए आप उसको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टोटल वीडियो आप वॉच करेंगे और उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, ISC फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम का है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट देते जिसके पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के स्टडी करेंगे, यानी कि उस पॉइंट को हम दे देते हैं और उस पॉइंट को एक एक करके हम क्या करेंगे आपको स्टडी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारा चैप्टर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11th क्लास के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन आपको, कई तरह के क्वेश्चन इसमें आपको आते हैं, कई तरह के टॉपिक आते हैं, तो उस एक एक टॉपिक को हम स्टडी करेंगे एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर जो परमाणु संरचना है इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा, ठीक है, पहला टॉपिक क्या नाम है, मौलिक कण। सबसे पहले तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आए हैं, तो सबसे पहले हम एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स, मौलिक कण क्या करेंगे, मौलिक कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सेकेंड आपका टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, यानी कि सेकेंड आपका टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन का खोज किसने किया कैसे हुआ, क्या उसमें मेथड अपनाया गया, और न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, क्या उसका मेथड था, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद से आपका थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर चार्ज, यानी कि थर्ड टॉपिक जो है आपको स्टडी करने वाला है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर चार्ज, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, उसका निरपेक्ष वैल्यू क्या होता है, उसके सापेक्ष वैल्यू क्या होता है, सापेक्ष चार्ज क्या होता है, निरपेक्ष चार्ज क्या होता है, ऐसे हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक में। फोर्थ टॉपिक है परमाणु मॉडल, फोर्थ टॉपिक में क्या है, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, उसमें आपके कई तरह के साइंटिस्ट जो है आपको अलग अलग तरह के क्या किए मॉडल दिए हैं, परमाणु का मॉडल दिए हैं, क्या दिया, परमाणु का मॉडल दिए हैं, जिसमें आपको उस परमाणु मॉडल में हम क्या करेंगे, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल स्टडी करेंगे, नाभिकीय मॉडल स्टडी करेंगे, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्टडी करेंगे, उसके बाद से बोस का परमाणु मॉडल स्टडी करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से पांचवा पॉइंट है परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मास नंबर से क्या रिलेशन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से क्या रिलेशन होता है, इसके आधार पर कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, इस तरह के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, किस पे, आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। सिक्स नंबर में है समस्थानिक, संभारिक एवं समयुनिटारिक एटॉमिक मास,
संभारिक आइसो समस्थानिक आइसोटॉप्स इंग्लिश में कहते हैं, संभारिक इंग्लिश में आइसोबार्स कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक्स इंग्लिश में इसको आइसोटॉन्स कहते हैं, और एटॉमिक मास मतलब क्या है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान को कैसे निकाला जाता है, क्या इसका यूनिट रखा, किसके इसके किसके रिस्पेक्ट में हम एटॉमिक मास निकालते हैं, इस तरह के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और इसमें आपको भी स्टडी करने वाले हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, उस पर भी कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बना जा सकते हैं। ठीक है, आपका सेवन पॉइंट में है प्लैंक क्वांटम सिद्धांत स्पेक्ट्रम एवं स्पेक्ट्रम के टाइप्स। ठीक है, यानी कि प्लैंक क्वांटम कॉन्स्टेंट, प्लैंक कॉन्स्टेंट प्रिंसिपल, प्लैंक सिद्धांत, प्लैंक एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने अपना क्या सिद्धांत दिया था उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, और स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम के टाइप्स कितने होते हैं, लामा श्रेणी, ब्राह्मण श्रेणी, सब तरह का आपके सीरीज आएंगे उसमें, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है दो तरह से व्यवहार करता है, कितने तरह से व्यवहार कर सकता है, दो तरह से व्यवहार सकता है, और उस दो नेचर में उसे कौन से बिहेवियर आएंगे उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद स्टडी करने वाले हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, क्या स्टडी करने वाले हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या था, क्या उन्होंने अपना दिया, उसके लिए क्या फॉर्मूले दिया, उसका क्या रिलेशन था मोमेंट से, स्पीड से, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद स्टडी करने वाले हैं नाइन नोट पॉइंट में है क्वांटम नंबर, सेल, उपसेल, सबसेल, पावली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्वांटम संख्या क्या होता है, किसी भी चीज का यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, किस सेल में रहेगा, किस ऑर्बिट में रहेगा, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। कौन बताएगा आपको, ये क्वांटम संख्या बताता है, यानी कि बिना क्वांटम नंबर के नॉलेज के आप नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में कौन बताता है, तो क्वांटम नंबर बताएगा, उसमें सेल आएगा आपको, सबसेल आएगा, इसमें आपको पावली का अपवर्जन सिद्धांत आएगा, एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोजन प्रिंसिपल ऑफ पावलीज, ठीक है, पावलीज एक्सप्लोजन प्रिंसिपल, यानी पावलीज की अपवर्जन सिद्धांत, पावली ने क्या आपको सिद्धांत दिया था। इसके बाद स्टडी करने वाले हैं आपको ऑर्बिटल्स सिद्धांत एवं आकृति, ऑर्बिटल्स आपको एटम के अंदर का ही पार्ट्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ऑर्बिटल्स के शेप क्या होता है, ऑर्बिटल्स कितने तरह के हो सकते हैं, उसकी शेप क्या होती है, ठीक है, उनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कैसे करेंगे। आपका 11th नंबर पॉइंट में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप किसी भी एलिमेंट का वैलेंस नहीं निकाल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, ये टोटल आपको बहुत से यानी कि बुझी की केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर आप बहुत से चैप्टर को रिकवर कर सकते हैं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, जितने भी एलिमेंट होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, को इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह के बहुत से आपको टॉपिक आएंगे जो आपको किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आपको जो आपको ऑर्बिटल्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने में भी काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 12th नंबर में हुंड का नियम, हंट्स रूल, हंट्स रूल मतलब क्या, हुंड का नियम, और हुंड का जो नियम है वह आपको किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं वैलेंस एवं कोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आपको पूरा मेथड से आपको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लगभग 50 तक से सिखाया जाएगा, यानी कि ISC लेवल तक के स्टूडेंट को आपको 50 एलिमेंट तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इन 50 एलिमेंट तक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस माध्यम से, दो तरह से होता है, एक तो होता है आपको सिंपल मेथड, एक होता है SPDF मेथड, यानी कि SPDF के मेथड से आपको 15 एलिमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए।
उसके बाद आपको वैलेंस एंड कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्या इसका ट्रिक्स है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होती है, कैसे इसको निकालेंगे, इसका क्या ट्रिक्स निकलेगा निकालने के लिए, इस तरह के टॉपिक्स या टोटल टॉपिक्स जो है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका चैप्टर है, परमाणु संरचना जो चैप्टर है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉप चैप्टर होने वाला है। इसलिए आप डेली आप वीडियो को वॉच करते रहें, और आपका नेक्स्ट टॉपिक आपको आने वाला है फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल्स और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेके आने वाले हैं आपको दो टॉपिक एक ही बार में, आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और आप इस रिमेंबर पॉइंट को, जितने भी पॉइंट्स हमने दिया, इस रिमेंबर पॉइंट को आप क्या कर रहे हैं, इस सभी पॉइंट को आप कॉपी पर नोट कर लें, और इसी पॉइंट्स के आधार पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि डेली इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टिकल्स और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के टॉपिक को लेकर।